तो चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर जश्न मनाया गया और बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर आतिशबाजी भी हुई, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान लड्डू बांटे गए, मिठाइयां बांटी गई। लक्ष्मीकांत भारद्वाज, अजय धांडिया, अनुराग शर्मा, भूपेंद्र सैनी, हमीद मेवाती, रवि नेयर, राजेंद्र शेखावत और अन्य नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में सीपी जोशी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जश्न का माहौल है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की है और आतिशबाजी के साथ लड्डू और मिठाइयाँ बांटी जा रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता लड्डू बांट रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। चूंकि सतीश पूनिया का कार्यकाल पूरा हो गया है, ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बने हैं। एक तरफ सीपी जोशी दिल्ली में हैं और बधाइयां ले रहे हैं, तो वहीं जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि सीपी जोशी कब यहां पर पदभार ग्रहण करेंगे। आज देर रात तक वो अपने कार्यकर्ताओं को सूचना देंगे और यहां पर क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं पहले इन तमाम नेताओं से और कार्यकर्ताओं से बातचीत करता हूं, क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लंबे टाइम से सीपी जी अध्यक्ष थे, विभिन्न पदों पर वो रहे और आज कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और पार्टी में 2023 और 24 में पूरे भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड मतों से सरकार बनेगी हमारी। देखिए, राजस्थान के इतिहास के भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष सीपी जोशी बने हैं। साधारण घर से निकलकर प्रदेश अध्यक्ष जैसे दायित्व पर पहुंचना, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को लेकर खुश है कि उन्होंने अपने जैसा ही एक कार्यकर्ता अध्यक्ष के रूप में पाया है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के अन्यायी और अत्याचारी शासन के खिलाफ सीपी जोशी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 2023 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी सीटें नरेंद्र मोदी जी के कब्जे में। अनुराग जी, आप भी आज काफी दिनों बाद यहां नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से युवाओं को प्रोत्साहित करती है और आज आदरणीय सीपी जोशी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर यह साबित कर दिया है कि युवा शक्ति के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पूरा विश्वास है। और आदरणीय सीपी जोशी जी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, युवाओं की आवाज है, युवाओं की ताकत है। क्या कहेंगे? हमारे साथ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु है, हमीद मेवाती है, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री प्रेम सिंह वनवासा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और क्षत्रिय समाज में भी लीडर हैं। सभी से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे हिमांशु? देखिए, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे जिन्होंने युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को भी मार्गदर्शन प्रदान किया और नेतृत्व प्रदान किया, ऐसे आदरणीय सीपी जोशी जी अब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के नाते, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अध्यक्ष के नाते हमारा जो राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी का परिवार है उसका नेतृत्व। उनके साथ कोई अनुभव अच्छे कार्य करने का? क्योंकि आप जब युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना तो हमारे पालक के रूप में और हमारे युवा मोर्चा के प्रभारी के रूप में मुझे उनका मार्गदर्शन मिला और उनके मार्गदर्शन में मैंने अध्यक्ष बनने के बाद काम करना प्रारंभ किया। क्या कहेंगे अमित भाई? देखिए, सीपी जोशी जी के बनने के बाद में कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और राजस्थान के अंदर 2023 का टारगेट को लेकर हम चल रहे हैं और निश्चित ही उनके नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी को एक सफल विजय दिलाने का काम करेंगे। रवि जी, क्या कहेंगे? इससे ये साबित होता है कि पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, लोकतंत्र के साथ आंतरिक लोकतंत्र भी बहुत मजबूत है। ये तो एक प्रक्रिया है, कोई चेंज होता है तो उनको दूसरी जिम्मेदारी दी जाती है, जो नई जिम्मेदारी लेके आते हैं। सीपी जोशी जी का कार्यकाल जो युवा मोर्चा का था बहुत ऐतिहासिक रहा, नए ऊर्जावान, नए एनर्जेटिक युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमें इससे पूरी उम्मीद है कि वो। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ता जो है वो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर जुटे हैं, आतिशबाजी की है, लड्डू बांटे हैं और अब देखना ये होगा कि सीपी जोशी यहाँ पर पदभार कब ग्रहण करेंगे और किस तरीके से पदभार ग्रहण कार्यक्रम होता है। संजय के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।